भारत के आयुर्वेदिक पद्धति का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओमोलो ओडिंगा अपनी बेटी की आंखों का इलाज कराने के लिए इस समय केरल के कोच्चि में हैं। वो अपनी बेटी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से कराने के लिए यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि 3 महीने के इलाज के बाद उसकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ये मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि अब हमारी बेटी लगभग सब कुछ देख सकती है। ओडिंगा ने कहा कि इन पारंपरिक दवाओं का उपयोग करने से आखिरकार मेरी बेटी की उसकी देखने की शक्ति वापस मिल गई और इससे हमारे अंदर बहुत विश्वास का संचार हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से इलाज की इस पद्धति को अफ्रीका ले जाने के लिए और इलाज के लिए हमारे देशी पौधों को उपयोग किए जाने के लिए चर्चा की है। बता दें कि ओडिंगा ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के दशकों पुराने मैत्रीपूर्ण व्यक्तिगत संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिंगा से लगभग 3.5 वर्षों के बाद मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने 2008 के ओडिंगा के साथ भारत और केन्या दोनों देशों में हुई कई बातचीत के साथ साथ 2009 और 2012 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए उनके समर्थन को याद किया। दोनों राजनेताओं ने आपसी हित के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत केन्या संबंधों को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिंगा को उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।